और लोकसभा में पास होने के बाद आज तीन तलाक का राज्यसभा में बड़ा इम्तिहान है। लोकसभा में बहुमत से पारित होने के बाद तीन तलाक बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। बीजेपी और कांग्रेस ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने को कहा है। इससे पहले लोकसभा में तीन तलाक बिल के पक्ष में 245 वोट और विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बिल में संशोधन की मांग कर वॉकआउट किया था। तमाम मुद्दों पर सरकार का साथ देने वाली AIADMK भी तीन तलाक बिल के विरोध में है। ऐसे में सरकार के पास राज्यसभा में संख्या बल जुटाना मुश्किल नजर आ रहा है, तो कांग्रेस ने भी संशोधन बिना बिल पास न होने की चुनौती दी है। ये विधेयक 19 सितंबर को लाए अध्यादेश के बदले आ रहा है। अगर इस सत्र में ये बिल पारित नहीं होता तो फिर अध्यादेश निरस्त हो जाएगा और इसके बाद आम चुनाव होने हैं, इसलिए तीन तलाक बिल आगे तक लटक जाएगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।